नगर आयुक्त शिविर कार्यालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के अंतर्गत 29 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण तथा उसके संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू कराए जाने के उद्देश्य से वृहद जन जागरूकता अभियान के तहत कानपुर स्थित मोती झील पार्क में मुख्य अतिथि सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विशिष्ट अतिथि आयुक्त डॉक्टर राजशेखर एवं नगर आयुक्त शिव शरणपा जी एन की उपस्थिति में नगर निगम द्वारा घरों से निकलने वाले 2000 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट से लूडो पार्क का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस संबंध में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उसके पश्चात प्लास्टिक वेस्ट से बना देश का यह पहला लूडो पार्क फीता काटते हुए इसका उद्घाटन भी किया गया। कानपुर नगर निगम द्वारा बनाए गए इस अनूठे प्रयास से लूडो पार्क का नाम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है, जिसका प्रमाण पत्र इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति पर नगर निगम कानपुर को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त जी ने मुख्य अतिथि माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, विशिष्ट अतिथि मंडला आयुक्त डॉक्टर राजशेखर जी, नगर निगम के अधिकारी गण एवं कर्मचारी गणों व वहाँ उपस्थित मीडिया कर्मियों को स्वागत करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और हमारे द्वारा 3-4 दिनों में शहर के सभी समस्त 110 वार्डों में लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जागरूक किया जा रहा है एवं जनता को बताया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरह से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तथा उसके प्रति पूरे शहर को जागरूक भी किया जा रहा है। प्लास्टिक के अल्टरनेटिव को यूज करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज कारगिल पार्क में प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके एक लूडो पार्क बनाया गया, जिससे बच्चों को बताया जाएगा कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक है। इसके जरिए लोगों को प्लास्टिक ना यूज करने के लिए प्रेरित करेंगे एवं यह भी लोगों को बताएंगे कि प्लास्टिक के स्थान पर स्टिक बैग की बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक से बनी चम्मच की जगह बॉम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं प्लास्टिक कप की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल हो सकता है। एवं अंत में यह भी बताया कि हम लोगों ने एक लूडो पार्क बनाया है और मंडला आयुक्त जी वहां उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन देने हेतु आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान मंडला आयुक्त महोदय जी ने कहा कि एक विशेष पहल को अंजाम देने के लिए प्लास्टिक वेस्ट के जरिए माध्यम से उपयोगी सामान बनाया जाए, जिससे बच्चे खेल भी सकते हैं। उसी के तहत आज 2000 किलो प्लास्टिक वेस्ट से लूडो गेम बनाया गया, जो कि इंडिया और एशिया के लिए सबसे बड़ा लूडो पार्क हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।